मेरी आंखों ने कभी मुझसे छल नहीं किया, क्योंकि मैंने इनका उपयोग हमेशा निशाना साधने के लिए किया था। जीवन में पहली बार मैंने इन आंखों से किसी पर विश्वास करने का काम लिया था। और देखिए, छल गई। राजकुमारी, मैं रुष्ट आपसे नहीं, मैं रुष्ट अपने आप से, क्योंकि गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है और मेरी इन आंखों की। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? राजकुमारी, ये मेरी भूल थी कि मुझे ऐसा लगा कि आप बराबरी में विश्वास रखती हैं। आपकी और हमारी बराबरी कभी हो ही नहीं सकती, ये आप मुझे बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हैं। और मैं समझ चुका हूं, और अब आप ये जो खेल खेल रही हैं हमारे साथ, इसे समाप्त कीजिए। क्योंकि आपके लिए अपना मन बहलाने वाली बात होगी, किंतु हमारे लिए हमारे स्वाभिमान की बात है। आप अपने लिए कोई दूसरा खिलौना ढूंढ लीजिए। आप दोबारा मेरे पास लाए। मैं नहीं जानती कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ खेल खेल रही हूं। मैं मानती हूं कि मैं भूल गई कि मैंने आपको आने का वचन दिया था, किंतु ना आने के मेरे अपने कारण थे, ये ना कोई भूल थी और ना ही मैंने जानबूझ के किया था। मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांग चुकी, किंतु अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं और कोई सफाई नहीं दूंगी। कल कुरु राजकुमार हस्तिनापुर लौट रहे हैं। पूरे हस्तिनापुर में हर्षोल्लास से दीपोत्सव मनाया जाएगा। मैं दीयों की रंगोली भी बनाऊंगी। आप आए तो समझूंगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं हमारे आस और विश्वास के इस रिश्ते को और बनाए रखूंगी। समझ नहीं आता कि सच क्या है, वो जो ये कह रही हैं या वो जो इनकी मां ने कहा था। राजकुमार अर्जुन की, 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 राजकुमार अर्जुन की। खेल जीतने के लिए किसी भी सीमा तक चली जाती है। ऐसी छिटोली बराबरी वालों में ही हो तो अच्छा।
आज संध्या काल में हम मात्र दीपोत्सव ही नहीं मनाएंगे बल्कि कुरुवंश के युवराज का राज्याभिषेक भी करेंगे। युवराज युधिष्ठिर की जय। युवराज युधिष्ठिर की जय। युवराज युधिष्ठिर की जय। युवराज युधिष्ठिर की जय। युवराज एक नारी के स्नेह से बड़ा मलम कोई नहीं। इस वक्त मित्र दुर्योधन पूरी तरह टूट चुके हैं। अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो आप उनके घाव कैसे संभालेंगे? हम क्या करें कर्ण, क्या करें कि आर्य शांत हो जाए? दीपोत्सव का जहां हर ओर प्रकाश है, वही आर्य अपने अंदर अंधेरा लिए बैठे। संपूर्ण हस्तिनापुर के दीपक में इतनी आग ना होगी जितनी उनकी आंखों में है। हम कैसे उनके अंदर से अंधेरे को दूर करें? दीप मिलन से भानुमति, कौरवों और पांडवों का दीप मिलन ही हस्तिनापुर में असली दीपोत्सव लाएगा। तुम कौरवों के महल से राजसभा तक दिए जला और मैं पांडवों के महल से राजसभा तक दिए जलाती, और राजसभा में ही कौरवों और पांडवों के दियों का मिलन होगा। दीपोत्सव सच्ची मन से क्षमा मांगने और दिल बढ़ा करके क्षमा करने का दिन होता है। सफर आएंगे तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। किसी की प्रतीक्षा हो रही है राजकुमारी जी? नहीं, किसी की भी नहीं जी। जानती थी तुम मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे।
जानती थी तुम मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। तुम्हारे दिल ने पुकारा था तो आना ही था, पर ये नहीं जानता था कि तुम भी मुझसे मिलने के लिए उतनी उत्सुक थी जितना कि मैं था। तुम्हारी आंखें न जाने क्यों कह रही कि उत्सुकता मुझसे मिलने के लिए नहीं, किसी और के लिए। क्या ये सच है? क्या मैं अर्जुन को कर्ण के बारे में बता दूं? राजकुमार अर्जुन, लगता है कि कुमार को गुरु द्रोणाचार्य लड़कियों की आंखें पढ़ने की शिक्षा ही नहीं दी है, तभी तो चूक गए पढ़ने में। कुमार, उर्वी आज से ही नहीं बीते कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, और पता है कल आपकी विजय कामना में ये अन्न जल त्याग अखंड जो जलाई बैठी थी माँ, ये अर्जुन को बताना जरूरी था। क्यों ना बताए? तुम भूल रही हो, मित्रों में कोई बात छुपाई नहीं जाती, और अब हम गहरे मित्र हैं। आगे जाकर जो भी बनने वाले हो। आगे जाकर जो भी हो मतलब? तुम्हें नहीं पता आज राज्यसभा में युधिष्ठिर भैया के युवराज बनने के बाद क्या होने वाला है? उर्वी को सगाई की बात पता नहीं चलनी चाहिए, कहीं ये मना ना कर दे। नहीं पता क्या होने वाला है। पुत्री, भीष्म पितामह अर्जुन की जीत और तुम्हारी तपस्या के लिए दोनों को बहुमूल्य उपहार देने वाले हैं, और इस उपहार की घोषणा वो स्वयं करेंगे। आर्य, हमारे पहले दीप उत्सव पर आपकी पत्नी सज धज कर आई है, आप देखेंगे नहीं? हम दिया जला देते हैं। नहीं भानुमति, ये अंधेरे मेरे भाग्य बन मेरे साथ खड़े हैं। उजालों ने पांडवों से मित्रता कर ली है, मेरे कक्ष में आएंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। आर्या, दीप उत्सव पर अंधेरा शुभ नहीं होता। शुभ अशुभ की परवाह से जिसके पास कुछ खोने के लिए हो अशुभ ही सही। कम से कम ये अंधेरे मेरी हार को ढककर मेरा साथ तो दे रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर उर्वी और अर्जुन की सगाई की घोषणा भी हो जाएगी, किंतु ये उर्वी अब तक आई क्यों नहीं? उर्वी क्यों नहीं आई अब तक? प्रयत्न करो तो पांडव और कौरव का भी मिलन हो जाए, ये भी हो जाए कि भाई अपने भाई के लिए मन से पैर मिटा दे। मैं कुंती माँ की इच्छा पूरी करने का एक प्रयत्न अवश्य करूंगी। राज्यसभा से अचानक कहाँ चली गई वो? कहीं तुमने उन्हें ये तो नहीं बता दिया कि आज राज्यसभा में युवराज समारोह के बाद उनके और अर्जुन के सगाई की घोषणा होने वाली है? हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। आपके आदेश का पालन हुआ है, उन्हें अपनी सगाई की घोषणा की भनक भी नहीं है। तो फिर उर्वी राज्यसभा से बिना किसी को बताए कहाँ चली गई? शीघ्र जाकर के पता लगाओ कि कहाँ है उर्वी। जी। महारानी जी, पता चला है राजकुमारी जी कौरवों की तरफ गई हैं। किसका दुस्साहस जो हमारे मना करने के बाद भी अंदर चला रहा है। आर्या,
पांडवों की चहेती उत्तन दुर्वी। नहीं, सिर्फ उर्वी। यहाँ इस अंधेरे में प्रकाश का आना आवश्यक है और ये सिर्फ तभी संभव होगा जब दिया और बाती मिल जाए। दुर्योधन, ये दिया ये माटी का बना है और ये बाती कपास की। दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, पर अगर एक साथ हो जाए तो अंधेरी रात में भी सूर्य का काम करती है। बस उसी तरह कौरव और पांडव एक दूसरे से कितने अलग हैं, पर अगर अपने बीच के मतभेद को भूल के वो दोनों साथ हो जाए तो पूरे हस्तिनापुर में उजाला फैला सकते हैं। मैं ना किसी बच्चे से आबोध ना मूर्ख, जानता हूं कि तुम या पांडवों की दूत बन कोई षड्यंत्र रचने आई हो। मुझसे मेरा अधिकार छीनने का षड्यंत्र, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, अब तुम्हारा ये मृत शरीर देगा पांडवों को। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।